खबरें विस्तार से। दंतेवाड़ा विधानसभा के गीदम जनपद में अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा की हुई विजय और गीदम जनपद पंचायत पर कोरम पूरा न होने पर अविश्वास प्रस्ताव हुआ ध्वस्त। भाजपा में खुशी की लहर, आतिशबाजियों के साथ मनाया गया जश्न। गीदम जनपद से संवाददाता नरेंद्र भवानी की खास रिपोर्ट। विश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हुआ है, कुछ बताइए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सदस्य 500 के 500 एकजुटता के साथ रहे। आज चुनाव हुआ अविश्वास का, आज चुनाव अधिकारी ने खारिज कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और हमने देखा इस समय जनपद सदस्यों को जिस प्रकार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जबरदस्ती हमारे समर्थकों को उठाकर विधायक के बंगले में कैद करके रखना और इतने सदस्यों को अपार देना कि हम 5-5 लाख रुपया प्रत्येक सदस्य को देंगे और उस बंगले में सदस्यों के सामने इंजीनियर को बुला के 40-40 लाख का डीएमएफ का पैसा का जो है इस्टीमेट बनाकर इस प्रकार के जो है प्रलोभन और लालच दिलाकर और इतनी धमकी देकर अगर तुम लोग ये साथ नहीं दोगे तो जेल जाओगे, इस प्रकार के कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जबरदस्ती दबाव बनाया गया है और उसके बावजूद भी उन लोग जो है सफलता उनको नहीं मिला है, वो नाकाम रहे हैं और उन लोग और हमारे लोगों को सत्य की विजय हुई है। हर कोई को मालूम है कि हमेशा सत्य की विजय होती है। हम हमेशा सत्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो हमेशा ये जो मार्ग रास्ता दिखा है उस रास्ते पे चलते हैं। लोकतंत्र में जो अभी पैसे देने की बात आ रही है, क्या आप इसकी शिकायत करेंगे उच्च अधिकारियों को? बिल्कुल, हम इसके बाद जो है हम इस जनपद पंचायत गीदम से ही शुरुआत करेंगे। जिस प्रकार जबकि लोकतंत्र व्यवस्था है इसमें किसी को खरीदा नहीं जा सकता है या खरीदने की और या काम के लालच देने की, इस प्रकार की जो इन्होंने कांग्रेस के नेता विधायक और जिला पंचायत के अध्यक्ष तुलित का कर्मा ने खुलियाम ऐसा करते गई, जिसके लिए हम लोग जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से अगर ऐसे जो कांग्रेस के नीति पर जो है सहयोग करने वाले अधिकारी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम धरना के माध्यम से हम कलेक्टर को भी घेराव करेंगे समय पर। प्रदेश के संगठन यहाँ पर पूरा आया हुआ है तो उन्हीं को सबको धन्यवाद देना चाहेंगे आप। मैं जिस प्रकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के प्रभारी सम्मानीय सुभाव डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री सम्मानीय किरण देव जी और जितने जगदलपुर के युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए और हमारे इस जो अविश्वास को देखने के लिए हमारे बीच में जगदलपुर से डॉक्टर वकील साहब भी हमारे पास उपस्थित हुए हैं। हम ऐसे लोगों के मार्गदर्शन पर जो हम इस अविश्वास को विजय हासिल किए, इसलिए मैं इस दंत की जिस तरीके से बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक जो जनता के द्वारा चुने गए और जनपद सदस्यों के माध्यम से चयनित हमारे जनपद पंचायत गीदम के अध्यक्ष के खिलाफ में बड़ी योजना बनाकर षड्यंत्र पूर्वक और एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जो कि आज फोरम के अभाव में ध्वस्त हुआ है, सत्य की विजय हुई है। जब ये बातचीत से पता चला कि इस बीच ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों, पता चला कि कई सदस्य जो कि ये चाहते थे कि निगम के कार्यों हमारे जनपद पंचायत के कार्यों को लेकर और जिस तरह से बंदरबाट की व्यवस्था होनी चाहिए उसको अध्यक्ष जी ने नकारा है और इसलिए उन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव जनपद में लाया था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ सभी 5 सदस्यों को हमारे जिन्होंने और डटकर इस अविश्वास प्रस्ताव का मुकाबला किया, दंतेवाड़ा के हमारे जिला के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों को, साथ ही में हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और प्रभारी जी भी हमारे साथ आज इस डटकर इन्होंने सारी एक रणनीति बनाकर योजना बनाकर सभी को एकजुट रखा है और सभी बधाई के पात्र हैं और सत्य की विजय हुई है। कुल मिलाकर सत्य की विजय हुई है।
किसको श्रेय देंगे, क्या है पार्टी संगठन? मैं सुश्री अंतिवेक, मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देती हूँ और जो मेरे पांच जो भाई है उनको भी मैं सबको बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जो मेरे इतने जो मेरे आज भैया लोग आए हैं मैं उनको सबको अभिवादन करती हूँ और सबको धन्यवाद देती हूँ। आगे चलकर मैं संगठन को साथ में लेकर चलूंगी। मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम करती हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, दंतेश्वरी मैया की जय, दंतेश्वरी मैया की जय। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।